नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। खबर का हुआ असर, कांगरबसली रेलवे स्टेशन पर जनप्रतिनिधियों ने जनता की परेशानियों को खबर देख लिया संज्ञान। ग्रामीणों के साथ रेल लाइन पर उतरकर रेल रोको का चलाया विरोध अभियान। राजधानी रांची के मांडर प्रखंड स्थित कांगरबसली रेलवे स्टेशन के पास वाले कई गाँवों के आवागमन वाले मुख्य मार्ग को रेलवे द्वारा हो रहे कार्य के लिए बंद कर किया जा रहा है, जिससे आधा दर्जन गांवों के ग्रामीणों के आवागमन बाधित हो गए हैं। आस पड़ोस के गांव आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और साथ ही बता दें कि एकमात्र सिर्फ यही रोड कई गांव को जोड़ती है, जो कांगरबसली रेलवे स्टेशन से होकर गुजरती है, जिसे रेलवे के द्वारा पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इस मामले को लेकर जनप्रतिनिधियों ने भी ग्रामीणों के साथ रेल रोको आंदोलन का साथ दिया और ग्रामीणों की समस्या के निराकरण तक उनके साथ खड़े रहने का वादा किया। मौके पर मांडर सीओ विजय हेमराज खलखो, मांडर थाना प्रभारी विनय कुमार यादव एवं क्षेत्र के मुखिया सहित लगभग 7 गांवों के मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य, राजनैतिक पार्टियों के सदस्य सहित ग्रामीण मौजूद थे। के यहाँ रेलवे अपना मनमानी से 7 गांव का आने जाने वाला रोड को बंद कर दिया। अभी कोई बीमार भी पड़ रहा है तो उसको भी ले जाने के लिए बहुत तकलीफ हो रहा है। 7 गांव का बच्चा स्कूल जाता है, उसके लिए भी दिक्कत हो रहा है। जो सरकार ने भड़कुला बना दिया है, वहां पानी से भरा हुआ लबलब रहता है, वहां कितना आदमी का बहुत खतरा हो चुका है। तो हमारे कहने के मतलब यही है कि सरकार को पहले 7 गांव का आदमी से मिलजुल करके राय लेना था। राय ले करके उसके बाद में हम लोग को 7 गांव के लिए रास्ता खोल देता, उसके बाद में वो अपना रास्ता को ब्लॉक करता तो अच्छा बात था। और बात रह गया कि रेलवे का जमीन तो नहीं रह गया था, पहले हम लोग का पूर्वजों का जमीन था। जब हम लोग का पूर्वज जमीन दिया तब ने यहाँ पर रेल का पहिया बना हुआ है। पहले तो मेरा पूर्वज आया है, उसके बाद में रेल आया है। मेरा पूर्वज दिया जमीन, तब उसके बाद में रेल चालू हुआ है। हम लोग मांग यही कर रहे हैं कि भाई रास्ता को ब्लॉक कर दिया है, हम लोग को साइड में रोड बना दे, उसके बाद में वो अपना ब्लॉक करे। फिलहाल इसको खोल दिया जाए, यहाँ 7 गांव का आदमी के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है। पहले रोड खोल दिया जाए, उसके बाद में रोड बना करके, पहले ही रोड के खोल करके उसके बाद में हम लोग को जाने आने के लिए रोड बना दिया जाए उसको। आज हमारे कांगरबसली स्टेशन के पास रेलवे ने जो हम लोग का पूर्वजों से यहाँ आने जाने का रास्ता था, इसको ब्लॉक कर दिया है। और बिना समझे बूझे, बिना विचार विमर्श किए हुए ब्लॉक किया। हमारे गांव 7 गांव, 8 गांव पड़ता है, जिसका 7-8 गांव का भारी तकलीफ हो चुका है। आना जाना बंद हो चुका है, बच्चों का स्कूलों का आना जाना, 4-5 वो बस चलती है स्कूलों का, वो आना जाना बंद हो गया है। कल के दिन में कोई अप्रिय इमरजेंसी बीमार कोई पड़ जाए तो उसको भी ले जाने के लिए भारी कष्ट होगा। इसीलिए मैं यही कहता हूँ कि रेलवे पहले हमारा रोड दें, अपना कोभर करे ज़मीन, और रेलवे अपना रोड बनावे, जनता का रोड को पहले पूरा करे, उसके बाद अपना काम पूरा करे। मेरा तरफ से ही आश्वासन है।